आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। शिक्षकों से विद्यालयों में छात्रों के बीच मध्याह्न भोजन के चावल एवं राशि वितरण करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित महामारी तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपदा के आलोक में पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस लॉकडाउन अवधि में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के माध्यम से सभी लोगों को घर पर ही रहने तथा घर से बाहर नहीं निकलने की लगातार अपील की जा रही है, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक ना फैले। इसके बावजूद इस लॉकडाउन की अवधि में सभी प्राथमिक शिक्षकों को, विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों को लॉकडाउन अवधि के मध्याह्न भोजन का चावल एवं राशि वितरण का आदेश दिया जाना बिल्कुल ही बेतुका एवं असंवेदनशील आदेश है। वह भी वर्ग 1 से 5 तक के लिए कुल 20 दिनों का प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से 2 किलो तथा वर्ग 6 से 8 के छात्रों के लिए प्रतिदिन 150 ग्राम के हिसाब से 3 किलो चावल, 2.5 किलो चावल के लिए शिक्षकों सहित अभिभावकों या बच्चों को घर से बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस व सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन कितना उचित है, वह भी इस स्थिति में जबकि इस लॉकडाउन की अवधि में सरकार गरीब तबकों के लिए कई सुविधाएं की घोषणा की है। पीडीएम के माध्यम से 3 माह का अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है। जरूरी सामानों के लिए होम डिलीवरी की सुविधाएं, जगह जगह खिचड़ी सेंटर बनाए गए हैं। राज्य के सभी मुखिया को अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ₹10,000 की राशि दी गई है ताकि भूख से किसी की भी मौत ना हो। ऐसी स्थिति में 2 किलो चावल के लिए बेवजह भीड़ जमा कर संक्रमण का खतरा पैदा करना है, जैसे आ बैल मुझे मार के कहावत को चरितार्थ करता है। चावल वितरण में एक भी संक्रमित व्यक्ति के शामिल होने पर संक्रमण फैलने की भयावहता को समझा सकता है और अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। पाकुड़ से सुमित मंडल की ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।